Ele nem brigadeiro. सो गाइस, मैंने जो है दाल धो दी है, अब इसको बनाने के लिए रखते हैं। मैं इसमें हल्का सा नमक डालूंगी। हेलो जी, नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप भी बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने इन हसीन वादियों में, इन पहाड़ों में। सो गाइस, अभी मैं सो कर उठी हूँ और आप देखिए। हाँ, मम्मी बोले कि मौसम दिखा दो। मम्मी बताना जरा कैसा मौसम हो रहा है बाहर, दिखा दे। नमस्ते तो कर दो सबको। अंधेरा होगा, नमस्ते कर दो इनके सबको। तो बाहर बिल्कुल अंधेरा हुआ हुआ है इस टाइम। अभी देखो सुबह का टाइम है, आप देख ही सकते हो ऊपर टाइम, और बाहर जो है बारिश इतनी ज्यादा है। मैंने आज आपको एक जगह जाना था ब्लॉगिंग करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी जगह है, अल्टीमेट जगह है, लेकिन आप लोग देख ही सकते हो मौसम और फ्लड इतने ज्यादा आ रहे हैं कि मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ठीक है, फिर मैं आपको मौसम की जरा दर्शन करूँगा। हर तरफ जो है वो कोहरा छा गया है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कोहरा ही कोहरा है। देख सकते हो ये रही हमारी पहाड़ी दाल, पहाड़ी दाल में है ये हमारे, और ये रहे रवांगी। और इसको हमारे पहाड़ी भाषा में ना बालड़ी बोलते हैं, बालड़ी बोलते हैं ना मम्मी, बालड़ी। हाँ, बालड़ी, बालड़ी बोलते हैं। तो आज ये हम तब बनाते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, क्योंकि ये गर्म होती है बहुत ज़्यादा। तो आज जो है आपको पता है कि ठंड का मौसम है, और ठंड जो है हल्की हल्की हो भी चुकी, तो आज हम जो है इसको बना रहे हैं। बनाने के लिए रखते हैं। मैं इसमें हल्का सा नमक डालूंगी और साथ में मैं इसमें मिर्चें भी डाल दूंगी, तो इसमें मतलब और अच्छा टेस्ट आ जाता है। अभी देखो मैं आपके सामने करती हूँ। सो गाइस, ये रही हरी मिर्चें, मम्मी इनको सुखाते हैं डेली। इतना सा मैं नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। सो ये देखिए, आंटी अंकल यहाँ रोज मक्की भूनने के लिए आते हैं, और आज भी आ गए, और इतनी तेज बारिश में आ गए बेचारे। आज इसकी छुट्टी है और घर पे इसकी भी बनाना। हाँ, तो इसकी बना रही हूँ, ये देख। तो आज देखो इस महाराज की छुट्टी है और बैठा हुआ है घर पे, बस फोन, पूरा दिन फोन चलाना है इसने। आए तो कर दे सबको। ये देखो मम्मी, पता नहीं क्या क्या काम लगे हुए करने, क्या क्या काम कर रहे हैं, झाड़ू फेर भी, पोछा लगा भी, और ये अंदर नहीं लगाते झाड़ू पोछा, इनको बस बाहर की सफाई रखनी होती है, है ना, बाहर बाहर चमकना चाहिए बस। सो गाइस, ये रही मेरी जिंदगी जो उबल रही है।
चाय, यानी चाय मेरी फेवरेट है आपको पता ही है। और जो है मैं माट रही थी सामान लेने के लिए, जो खड़ा मसाला है वो जो है खत्म हो गया था, तो फिर जैसे उसको हल्का सा तवे पे गर्म कर लो, जैसे आजकल बरसात है तो थोड़ी सी सीलन आ जाती है उसमें, गर्म करके और फिर कूट लो। क्योंकि मेरे पास कुंडी सोटा तो है नहीं, मेरे पास गिलास है, तो मैं गिलास में कूट के रखती हूँ। भाई मेरे को दिलाता नहीं है कुंडी सोटा, कहता तेरे को मिक्सी दिलाएगी उसमें कूट, तो मिक्सी में मुझे ना मज़ा नहीं आता है जैसे कुंडी सोटे में कूटने से, वैसे मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है खाना। तो जो ये हमारी पहाड़ी दाल बन रही है इसके लिए तो ये स्पेशली चाहिए होता है, और इसके बिना तो इसमें टेस्ट ही नहीं आता है। देखिए गाइस, ये रहा खड़ा मसाला और ये रही, ये है सरसों के दाने, और ये मिक्स है, पूरा मिक्स है मसाला। ये देखिए आप, मसाला चले गया कूटने के लिए, और अब मैं मसाले को कूट देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। पुराने जमाने की तरह ही मसाला कूट रही हूँ, जैसे मोटा मोटा इसमें छननी में इस तरह से छान के, और जो मोटा मोटा आ रहा है फिर से उसको कूट के, फिर से उसको छान रही हूँ, फिर से उसको कूट रही हूँ, इस तरह से मैं कर रही हूँ। सो ये देखिए गाइज, मैंने जो है सारा मसाला कूट दिया इसकी छननी की मदद से, छन्नी में छान छान कर, और जैसे जो मोटा मोटा फिर उसको छान रही थी। ये तो जैसे मतलब पुराने जमाने में मिक्सियां वगैरह भी कहाँ होती थी, और सिर्फ यही होते थे सिल बट्टे, तो मुझे पुराने जमाने की तरह ही आज भी जो है खाना बनाने में मजा आता है, और इसीलिए मैंने इस तरह से मसाला कूटा। और मैं हमेशा, आपको पता है अगर आपने मेरे ब्लॉग अगर देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं इसी तरह से जो है मसाला कूटती हूँ, और मिक्सी में नहीं कूटती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे पुराने ज़माने की तरह ही अच्छा लगता है। मेरे भाई को बोला है कि आप अगर मुझे तुमने कुंडी सोठा या सिल बट्टा नहीं ला के दिया तो तू देख लो मेरे को। प्याज काटती है, और ये लहसुन और मिर्चे जो है वो मैं पहले इसमें ऐड कर चुकी थी, तो मिर्चे नहीं हम काट रहे, और थोड़ा सा मेथी दाना डाल रही हूँ। ये देखिए मैं टमाटर की जगह थोड़ी सी इसमें दही ऐड कर दूँ। देखिए दही, थोड़ा सा मसाला है, और ये रही कश्मीरी मिर्च लाल, और ये रही हल्दी, मैं थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि मैं पहले इसमें डाल चुकी हूँ नमक। जो आरती के ब्लॉग है उत्तराखंड से, उनके ऋतिक जी के मैं ब्लॉग देखती हूँ, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे शो हो रही है उनकी फोटो, तो मैं उन्हीं की तरह ही मतलब ब्लॉग बनाती हूँ, मैं वो मेरे आइडल है तो मैं उन्हीं की तरह ब्लॉग बनाती हूँ। तो जैसे आपने अपने ब्लॉग में जैसे कि वो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो भी ऐड करते हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं आपसे, तो इस तरह से वो जैसे अपनी पहाड़ी खाना भी ऐड करते हैं, तो मैं भी उन्हीं की तरह ही मतलब ऐड करती हूँ पहाड़ी खाना, जैसे कि पहाड़ी दाल है या कोई भी पहाड़ी खाना है। देखिए मैंने दाल में जो है तरी लगा दी है, और इसके साथ जो है मैं बना रही हूँ चावल,
चावल को जो है थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देते हैं। सो आप मौसम देख ही सकते हो, सारे में जो है पूरे में धुंध पड़ी है। ये देखिए कोहरा ही कोहरा छाया है सारे में। तो गाइस मैं आपको यही बता रही थी कि ये जो मौसम है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड आए हुए हैं, और कहाँ तो जाएं ब्लॉगिंग करने के लिए, हर जगह जो है सड़कें गिर चुकी है। अभी मैं कल परसों ब्लॉग देखा होगा कल का, तो जहाँ पे मैं ब्लॉग शूट करने गई थी वहाँ पे सारी जो है सड़क नीचे बैठ गई, क्योंकि उन्होंने अच्छे से पकाई की नहीं और उसी पर ही जो है तारपुल बिछा दिया और वो सारी सड़क जो है नीचे बैठ गई, सोचो आप। तो चावल जो है मैंने रख दिए बनने के लिए और दाल मेरी बन गई है, तो बस फटाफट से अब खाने की तैयारी करते हैं। और मम्मी को देखो आराम से बैठे हुए हैं, मौसम का आनंद उठा रहे हैं। और इनको तो बहुत ही टेस्टी बनी गाइस, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी। मैं बता सकती आप लोग, मैंने आपसे पूरी इसकी रेसिपी शेयर की है, तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करना और फिर देखना कि कितनी टेस्टी बनती है। और बाहर लगी है बारिश लगी हुई ना बाहर। तो गाइस ये देखिए आंटी अंकल रोज यहाँ पे मक्की भूनते हैं हमारे गेट के बिल्कुल सामने, और आज भी ये लोग आ गए। जब मैंने इनसे पूछा कि क्यों आए, कहते पेट पेट भी तो लगाए हुए। देखिए आप कितने गरीबी है और ये दोनों बुजुर्ग हैं। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैं स्पेशली रितिक सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर मैं आप मेरे आइडल हो और मैं हमेशा आप ही को फॉलो करती हूँ, आपके ब्लॉग देखती हूँ। वैसे तो मैं उत्तराखंड में सबके ब्लॉग देखती हूँ, जैसे कूल पहाड़ी हो गया और पहाड़ी बाइकर हो गया या प्रियंका मैम होगी, मैं सबके ब्लॉग देखती हूँ और सबकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, और सब आप सबको मेरा जो है दिल से नमन है। और स्पेशली मैं रितिक सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, और काफ़ी मैं कम से कम 1.5 साल से उनके ब्लॉग देखती हूँ और उन्हीं को ही फॉलो करती हूँ मैं, जैसे वो अपने ब्लॉग में फूड को भी कभी कभी ऐड करती हूँ। देखे तो सर क्या बोलते, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करना। तो गाइस बाहर जो है बारिश लगातार हो रही है, अब और ज़्यादा बढ़ गई है बारिश। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आप लोग भी हमेशा खुश रहें यही मेरी दिल से दुआ है। और प्लीज़ मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाएं। गाइस बाय।